हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और माही अभी भी स्कूल से आई है और मैं उसका ही वेट कर रही थी एक्चुअली स्कूल से आने का। तो मैंने सोचा चलो आपसे भी मिला देती हूँ। माही आज ना लेके गई थी स्कूल में चॉकलेट्स। एक मिनट अद्विक का छोटू दादा चल रहे हैं यहाँ पे। अद्विक ना आज अद्विक का भी थोड़ा सा मतलब रात को इसका फीवर चढ़ रहा है और सुबह इसका फीवर गायब हो रहा है। तो आज ना ये ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड दे के आया है इसका टेस्ट के लिए। तो आज अद्विक थोड़ा सा अद्विक का मुंह जो है उतरा हुआ है और माही आई आ गई है स्कूल से। तो माही हाय बोल दो एक बार, हाय। आज तो आपका बर्थडे है, आज तो आप बर्थडे गर्ल हो। तुझा बर्थडे है? अच्छा, अद्विक का भी बर्थडे है और दीदी का भी बर्थडे है, सिर्फ अद्विक का बर्थडे है। ओके अच्छा, अद्विक दीदी के केक में कैडबरी डालना है और अद्विक के केक में स्ट्रॉबेरी डालना है, ठीक है? हाँ, अद्विक के लिए स्ट्रॉबेरी केक और दीदी के लिए चॉकलेट केक, कैडबरी केक, ठीक है? हाँ, खुश, हैप्पी 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 बर्थडे। ओ, और आज माही लेके गई थी चॉकलेट्स। और इसका ना वो पहले स्कूल में वो देना पड़ता था, कुछ भी पेंसिल पेन या कुछ भी मतलब चीजें देनी पड़ती थी बच्चों को। चॉकलेट्स अलाउ नहीं था और इस स्कूल में चॉकलेट्स अलाउ है, वो चीजें अलाउ नहीं है, ना माही? अगर आप मुझसे न्यू ज्वाइन हुए हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने इस साल माही का जो स्कूल है वो चेंज किया है। अगर आप मेरे पहले से व्लॉग देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने माही का स्कूल इस साल चेंज किया है और वो दूर दूर पड़ता था थोड़ा सा स्कूल, तो इसी वजह से चेंज किया था। तो क्या कर रही हो माही? तो इस साल ना माही की जो स्कूल है वो मतलब माही को भी अच्छी लग रही है। पिछले स्कूल भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक मिनट अद्विक, पिछले स्कूल भी बहुत ज्यादा अच्छी थी माही की, बट वो थोड़ा सा दूर पड़ती थी। बट माही के वहां पर पता नहीं फ्रेंड्स क्यों नहीं बने थे। माही इस बार आपके फ्रेंड्स अच्छे खासे बन गए ना यहाँ पे, और वहां पर माही फ्रेंडशिप ही नहीं करती थी किसी से, पता नहीं। और थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा डरी डरी सी रहती थी आप पिछली बार पिछले स्कूल में। इस साल थोड़ा सा इसको मतलब ये अच्छे से रह भी रही है, इसके फ्रेंड्स भी काफी सारे बन गए हैं, एंजॉय भी कर रही है और पढ़ाई भी काफी अच्छी कर रही है और मेडल भी ला रही है फर्स्ट गोल्ड मेडल ला रही है माही इस साल। तो अच्छी खासा मतलब प्रोग्रेस हो रहा है माही का इस साल। तो और ना इसने आज सुबह, कल ही हम लोग लेके आए थे चॉकलेट्स, कल हम लोग बाहर गए थे तो इसके लिए चॉकलेट्स लेके आए थे, चॉकलेट्स का बॉक्स लेके आए थे। तो पिछले जो स्कूल थी ना तो उसमें पहले ही हमें शॉपिंग करनी पड़ती थी, अगले दिन जो कुछ लेके जाना पड़ता था उसे स्कूल में, तो उसकी हमें पहले ही शॉपिंग करनी पड़ती थी, उसके ड्रेस ये वो। अरे अभी इसके ड्रेस की तो शॉपिंग पहले ही कर ली है हमने, कितने दिन पहले किए थे, 1 महीना पहले। दिवाली के और समय की थी। नहीं रे, दिवाली नहीं, अभी दिवाली भी की थी और अभी भी की थी शायद। अभी की ना हमने 1 महीना पहले, तो उस टाइम शॉपिंग की थी इसके ड्रेस की। और अभी शॉपिंग तो आज कुछ नहीं है, पापा को मांगो ना कुछ क्या मांगू? कुछ भी मांगो ना पापा की तरफ से। हाँ आज आपका बर्थडे है, जी का अहो बर्थडे गल्ला काहे देना रहे तुम्हें आज, तीजे मांगेल थे। ओ माही आज तो आपका गोल्डन चांस है, माही मांग लो पापा से कुछ ना कुछ। हाँ चांस आपका है चांस है, ठीक इसका है घर पर रहता है। माही, पापा बोल रहे कि आप जो मांगोगी वो मिल जाएगा आज आपको, मांग लो जो भी मांगना है आपको। सोचना पड़ेगा। मैं बताई हाँ सब मैं चिट्स बनाती अपने फेवरेट चीजों का बॉक्स में डालती और उसको मिक्स करते हैं निकालती मम्मा को बोलती वो चाहिए मुझे फिर अच्छा ऐसा करो, हाँ बाला नहीं, बाला मत लगाओ, 2 मिनट अद्विक, 2 मिनट उसमें कॉपीराइट आ जाएगा इसका ना तो आज मुझे इतना आलस आ रहा है कि मैंने बेडशीट भी चेंज मतलब बेडशीट चेंज की है लेकिन बेडशीट दूसरी डाली भी नहीं है। अद्विक देखो कैसे रो रहा है, अरे 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 अरे, खुश अद्विक, अद्विक बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, जब से अद्विक की तबीयत खराब है तब से अद्विक चिड़चिड़ा होते जा रहा है बहुत। अरे दूर से देखो, हाँ आके उसके ऐसे ऐसे करता हूँ बार बार। दूर से देखो फिर, चलो नहीं तो चल बंद कर दो हाँ मैं बंद नहीं करूँ। मगर मैं जो पकड़ दूंगी मैं पकड़ती नहीं तो मैं बंद कर दूंगी। इसको एक्चुअली मोबाइल हम लोग देते ही नहीं है।
अभी मतलब तबीयत खराब होने का फायदा ले रहा है ये। चलो मेरे बच्चों को दोनों को भी मोबाइल की आदत ही नहीं है, बट ये अभी छोटू दादा की वजह से। मतलब एक्चुअली मेरे घर पे टीवी भी नहीं चलती है, हम लोग कभी रिचार्ज नहीं करते हैं टीवी में। मतलब कभी मीन्स अभी तो 2 महीने हो गए होंगे टीवी बंद है मेरे यहाँ की, बट हम लोगों ने रिचार्ज नहीं किया है। टीवी कोई भी नहीं दिखता है मेरे घर पे। मतलब मुझे भी आदत नहीं है टीवी की, बच्चों को भी आदत नहीं है। पहले माही को बहुत आदत थी कार्टून देखने की, तो इसी वजह से हम लोगों ने रिचार्ज करना ही बंद कर दिया। ये पढ़ाई ही नहीं करती थी, कार्टून ही देखती थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने ना तब से रिचार्ज करना बंद कर दिया है। तो एक मतलब कभी कभी 1 आध महीने में रिचार्ज कर देते हैं, बट वो रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद हम लोगों को याद भी नहीं आती है कि रिचार्ज खत्म हो गया है या हमें करना है दोबारा से। आप अभी तो कर भी नहीं रहे, कितने दिनों से रिचार्ज नहीं कर रहे कि मुझे लगता है 2-3 तो महीने हो ही गए होंगे, है ना? दो तीन भी नहीं, ज्यादा नहीं, वैसे बीच में किया था ना एक बार। नहीं हाँ इसके अभी के बर्थडे के समय किया था हाँ उसके, हाँ हाँ अगर कोई गेस्ट आता रहता है ना, मतलब न्यूज़ गेस्ट, देखते हैं हाँ, तो वो। वो न्यूज वगैरह देखते हैं, तो इसी वजह से हम लोग रिचार्ज कर देते हैं। जिस दिन गेस्ट आते हैं उस दिन रिचार्ज करते हैं, फिर वो 1 महीना रिचार्ज रहता है। आवाज अजवी, तो 1 महीना रिचार्ज रहता है, उसके बाद वो रिचार्ज खत्म जब होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है, और वो 1 महीना यूज भी नहीं होता है, हम लोग टीवी भी नहीं लगाते कभी। तो ऐसे ही होता है हमारे घर पे। और ये सिर्फ ये अभी तबीयत खराब है, इसी वजह से इसको मोबाइल खराब नहीं है, अब खत्म हो गया, अच्छा हो गया, चलो बंद कर दो, बस बंद खत्म, कर बस दो फिर। अच्छे हो गए, अच्छी अच्छे हो होगी, गए, अच्छे हो गए, अच्छे हो तबीयत गए, अच्छी होगी तो बंद कर दो, चलो बंद करो। नहीं अच्छे हो गए आपकी तबीयत। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं अभी माही का केक कट करने होटल में, तो वहां पर ही खाना खाएंगे और वहां पर ही केक कट करेंगे। एक्चुअली ना पहले ना क्या होता था कि हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते थे उसका बर्थडे, बट अभी कुछ सालों से, जैसे उसको समझ रहा है, कुछ सालों से, 2-3 सालों से हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को भी, मतलब उसको ना पहले लगता था कि फ्रेंड्स आने चाहिए घर पे, मतलब लोगों को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ इसका हमेशा का ही है, पापा ने ये शू पहना, मैंने मेरे जैसा क्यों नहीं पहना। तो उसको लगता था पहले, बट अभी नहीं लग रहा। अभी ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर ही फिर खाना खा के चले आते हैं, केक कट करते हैं वहाँ पे, सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका। तो चलो, माही माही का लुक ये है, जैसे कि आपको पता है कि माही ने ये वाला ड्रेस लिया था। तो माही का, और अभी अभी माही का ऑक्शन किया है मैंने। चलो अब गेट लगा लो। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, थोड़ा सा मीन्स 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा होगा। सीट खाली नहीं थी, जिस वजह से हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा, तो हम लोग बाहर चले गए थे। तो ना ये जो होटल है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली ना हम लोग ना थोड़े अलग अलग होटल ट्राई करते रहते हैं, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं जैसे कि खाना खाने वगैरह, तो हम लोग अलग अलग होटल में मतलब टेस्ट ट्राई करते हैं अलग अलग होटल का, ताकि हमें पता चले कि मतलब कौन सा होटल अच्छा है कौन सा नहीं। तो इसके चक्कर में ना कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है कि कभी कभी फंस भी जाते हैं, क्योंकि किसी किसी होटल का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम लोग गए हैं बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगने के बाद, और फिर मुंह लटका के बाहर आया है, मतलब क्योंकि ना बहुत बार, मतलब बहुत 3-4 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और ये बोलते हैं कि नहीं हमें ये होटल में नहीं जाना है, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, उस टाइम मैं बोलती हूँ इन्हें कि जो होटल में हम लोग हमेशा जाते हैं उसी होटल में जाएंगे।
बट ये बोलते हैं कि नहीं न्यू होटल ट्राई करेंगे, तो इसी चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। और फिर कभी कभी किसी किसी जगह का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो भूख अच्छी खासी लगी होती है और फिर खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है। तो चलिए फिर, माही का केक आ गया है और अभी माही करेगी केक कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माही। हैप्पी बर्थडे। बर का केक कप ना, केक कप, केक कप ना, केक केक कप पहले ना। हैप्पी बर्थडे अधिक सके। हाँ ये तो बस एक्चुअली गाइज, आज ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे हम लोग, क्योंकि अद्विक की ना तबीयत ख़राब थी और अद्विक को ना पता नहीं क्यों दिन भर ठीक रह रहा है अद्विक, और रात को अद्विक की तबीयत अचानक से ख़राब हो जा रही है और फीवर चढ़ रहा है उसको। उसको मतलब उसके सिर पे हमें ठंडी पट्टियाँ रखनी पड़ रही है, थोड़ा सा उसका केयर करना पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि आज फाइनली उसका ब्लड टेस्ट देने के लिए जाते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट दे के आते हैं, पता चले कि ब्लड टेस्ट में क्या निकलता है, तो कुछ मतलब वायरल वगैरह हो तो समझ आ जाएगा। तो इसी वजह से आज ना ब्लड टेस्ट दिया था, तो ब्लड टेस्ट में तो वैसे कुछ नहीं निकला है एक्चुअली, उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है उसका थोड़ा, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ बस उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं निकला है। तो पता नहीं क्यों उसका फीवर ऐसे ही चढ़े जा रहा है और इतना चिड़चिड़ा हो गया है उसकी वजह से कि पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता ही है, किसी का भी बर्थडे होता है तो वो तो अपना ही बर्थडे समझता है, तो वैसे ही कर रहा था आज, और भी ज़्यादा रो रहा था कि नहीं मेरा बर्थडे है, मुझे ही विश करो। जिसको जिसके भी कॉल आ रहे थे माही को, तो मुझे क्यों नहीं विश किया, इसकी वजह से इतना ज़्यादा रो रहा था वो कि पता नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। बट ये थोड़ा सा अलग ही है, मतलब किसी का भी बर्थडे हो तो मेरा ही बर्थडे है, बर्थडे का क्या लगता है उसे पता नहीं। जब से समझ में आ रहा है उसे बर्थडे, तब से ना उसको बर्थडे की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उसके बर्थडे के टाइम ये हो या किसी के भी बर्थडे के टाइम, तो उसको और माही के आज तक जितने भी विश आए माही को, तो उस टाइम वो इतना रोया कि मुझे क्यों नहीं विश किया, तो सब लोग उसको विश कर रहे थे। और हाँ गाइज, थैंक यू सो मच, जितना भी आपको थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मतलब इस साल का बर्थडे आपने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया माही का, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपके विशेज पढ़ के। वो एक एक कमेंट आपके पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी, क्योंकि एक तो उसके हर साल के बर्थडे पे सारे मतलब रिलेटिव या कोई भी मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव सारे उसको विश करते हैं, बट इस साल उसको अलग फैमिली मिल गई विश करने वाली, और वो हो आप। मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि उसको कितना अच्छा लगा होगा आपके विशेज से। आपका आपने एक विश किया है बट उसको आपके विश पढ़ के मतलब कितनी ज़्यादा खुशी हुई है, तो ये आप सोच भी नहीं सकते हो। बट वो मैंने जब उसको विशेज पढ़ा है ना आपके, मतलब जब आपके कमेंट उसने पढ़े ना, तो इतनी ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी कि आपको क्या बताओ। सिर्फ आपकी वजह से इस साल का बर्थडे माही का और भी ज़्यादा स्पेशल रहा, बट थोड़ा सा अद्विक की वजह से, अद्विक की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया था। मतलब वही कि अद्विक को देखे या माही को देखे, माही की खुशी भी इधर देखनी थी हमें और अद्विक को भी देखना था, तो बट हमने उस दिन थोड़ा सा ये किया कि माही की खुशी देखी, क्योंकि बर्थडे जो है वो एक साल में एक बार ही आता है और हम लोग उससे उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हम लोगों ने नहीं दिखाया उसे कि अद्विक की तबीयत ख़राब है तो हमें टेंशन है करके, तो इसी वजह से उसकी खुशी में हमने खुशी मनाई। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग मानसरोवर होटल में, तो ये जो होटल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होटल है, मतलब आप अगर अमरावती से हो या अमरावती के आजू बाजू से हो तो यहाँ पर आप खाना खाने आ सकते हो पक्का, बहुत ही ज़्यादा आपको फूड जो है पसंद आने वाला है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे फूड से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग
पैसा तो हर जगह देते हैं, बट खाना अच्छा होना चाहिए। पैसा तो हर जगह जाता है, कम हो या ज़्यादा हो, हर जगह पैसा जाता ही है। बट खाना अगर अच्छा होना तो हम लोगों को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो पैसा गया बट एक अच्छी जगह पे गया है। तो इसी वजह से अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये होटल ज़रूर ट्राई करना। अगर आप अमरावती से हो या आप गेस्ट बन के अगर अमरावती में आते हो तो आपको अगर जाना है कहीं तो आप मानसरोवर होटल में जा सकते हो। बहुत ही अच्छा फूड है वहाँ का, और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हो, या कुछ भी जो पार्टी हो आप वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हो। एनिवर्सरी हो या आपके छोटे मोटे बर्थडे हो या कुछ भी आपका छोटा फंक्शन हो आप वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूड है वहाँ का, स्पेशली फूड के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेन होता है फूड टेस्ट और सर्विस। सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी ऑर्डर किया है वो 10 मिनट के बाद आ रहा है और हमें वेट करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। हमारे पास ही खड़े होते हैं और बार बार हमें पूछते रहते हैं। सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको रिव्यू देना चाहूँ तो मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार तो दूंगी ही इसे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे होटल, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार तो ज़रूर आइएगा। एक्चुअली मैं इतना इसके बारे में बता रही हूँ, इसके मुझे पैसे नहीं मिल रहे, ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हम लोग आए थे अपने पैसों के खर्च करके हम लोग गए हैं यहाँ से। बट मुझे अगर होटल पसंद आया तो आप लोगों को मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताऊँ मैं अच्छा होटल है करके। और यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी अपने क्लिक कर सकते हो। बाहर ही आपको एक लॉन दिखेगा, काफ़ी अच्छा मतलब व्यू है इसका होटल का। तो ये होटल जो है वो नवाते में है, तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो फूड को। और हाँ गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने माही का बर्थडे जो है वो इतना स्पेशल बना दिया इस साल का, और जितना भी थैंक यू बोलूँ आपको कम है। तो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए।